समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंगीला 2.0 का आवाज़। देखिए, बिहार में लगातार मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश तो कभी लंबी हवा बिहार चल रही है। देखिए, बारिश की संभावना लगभग अब 90% बना हुआ है, क्योंकि समय पर समय चेंज हो रहा है, मिनट मिनट में समय चेंज हो रहा है। बिहार में इतना आंधी तूफान भारी बारिश होने की संभावना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप नोटिस करिए, पिछले कुछ महीनों में इस बार बारिश नहीं पड़ा है, तो उसका जो सूद मूर जोड़ करके पूरा ब्याज के साथ मूर लेने की प्रयास करेगा इस बार मौसम में। हालांकि बाढ़ होने की संभावना तो नहीं है, नेपाल ने पानी चेंज किया है, हो सकता है मौसम है, सीजन है, बारिश के साथ साथ लंबा चौड़ा बाढ़ भी होने की संभावना है। NH-80 के दक्षिण साइड रेलवे तरफ चोर करारी खेल में काफी मौसम कोहरों की जैसा है। आप देखिए, पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। हम सैटेलाइट के नजर से कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं हम अपने स्थानीय क्षेत्र की। देखिए, पूरी तरह से कोहरों कोहरों मच गया है, इतना आंधी तूफान आ गया है। आप नोटिस करिए कि इस बार पिछले कुछ महीने में थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुआ है। तो बारिश नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आंधी तूफान बाढ़ नहीं होगा। सूद मूर के साथ पूरा ब्याज जोड़ कर निकाल लेगा इस बार मौसम ने। आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश और बाढ़ भी होने की संभावना है। हालांकि नेपाल ने इस बार बागमती नदी की धारा रोका है और कोसी नदी का पानी जो डाइवर्ट किया है, इसका मतलब हुआ कि डाइवर्ट के मतलब कि कोसी नदी की धारा कहीं और जगह भेजेगा, यानी कोसी नदी के पानी दूसरे क्षेत्र किसी नदी नहर में भेजेगा। हालांकि पिछले 3 वर्ष पहले उतना बाढ़ पीड़ित नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं होगा। हो सकता है सूद मूर के साथ ब्याज लेने की प्रयास करेगा इस बार की मौसम ने। देखिए, प्राकृतिक वो चीज है जो किसी की बस की बात नहीं है, कभी भी अपना मूड चेंज कर सकता है। देखिए, कुछ व्यक्ति इस तरह के मौसम के आनंद उठा रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति इन मौसम बिगड़ती हालात को देखते हुए खामोश बैठा है। कुछ किसान मजदूरों की फसलें खेतों में फंसा हुआ है, रोडों पर तैयारी किया हुआ है, पड़ा हुआ है। मौसम खराब होने से ना ही तो फसल सूखेगा, न ही व्यापार के हाथ में जाएगा। जो कीमत होना चाहिए किसानों को, वो कीमत नहीं मिलेगा।